भाई अभी हम लोग रुके हैं एक छोटे से होटल में। छोटा से नहीं, काफी बड़ा है। वैसे तो हमारा रूम भी काफी बड़ा है। और ये हमारे आलोक भाई हैं जो हुक्का पी रहे हैं, और ये हमारे सिंटू भाई, और मैं आपको दिखाता हूँ उधर। ये है पवन भाई, उधर है उसमें एनी ब्रो। एनी ब्रो एक बार हाई कर दो कैमरे में। और उधर रकम भाई हैं, उधर बाथरूम में गए हैं। और ये हमारा काफी बड़ा रूम है। ये पर्दा टूट गया गाइस, पर्दा ऊपर लटका हुआ था यहाँ पे, तो ये पर्दा टूट गया, नीचे गिर गया। तो अभी यहाँ पे रेस्ट करते हैं हम। रास्ते में पहुंच चुके हैं, हम जाने वाले हैं जोधपुर, और हुक्का हुक्का पीते हैं, खाना वाना खा लिया, और फिर मिलते हैं मॉर्निंग को जोधपुर में, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गुड नाइट, सो लेता है तुम्हारा भाई। नाइट ऑल, लव यू। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सभी भाई चाय वगैरह पी रहे हैं, देखो भूत वगैरह। सब भाई फन कर रहे हैं सभी, और मॉर्निंग व्यू देखिए बाहर का, धुंध हो रखी है चारों तरफ। सुबह हो चुकी है और उधर है हाईवे। सो गाइस फाइनली यहाँ से चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है बाहर। तो ये अपनी गाड़ियाँ दोनों। ब्रो चलें, बिल्कुल लेट्स गो। सो फाइनली पहुंच चुके हैं डंपिंग यार्ड अजमेर किशनगढ़। चाय पीने का स्टाइल देखो भाई का। भाई और मजा आ रहे हैं, ये क्रेकजग बिस्कुट आ रहे हैं डंपिंग यार्ड के सामने। डंपिंग यार्ड के सामने है, अंदर भाई लोग परमिशन लेने गए हैं, अंदर खाने चलेंगे। में हम जल्दी जाएंगे फ्रेश होने, मिलते हैं आपसे नई मीटिंग में। तो भाई ये हमारे गैंगस्टर लौंडे, तो भाई फाइनली हम लोग जा रहे हैं डंपिंग यार्ड। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, काफी ज्यादा मजेदार जगह है। टेक द लेफ्ट एंड राइट। हेलो, ये हमारे ड्राइवर साहब, पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई फाइनली चलते हैं बाहर। ये है डंपिंग यार्ड, जो कि इस जगह पे फोटो शूट वीडियो बनाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। फील हो रहा है यहाँ पे? नाइस, मस्त फील हो रहा है। गांव में अभी तो कुछ बोल रहे थे आप, गांव में जो क्या होता है, तालाब होता है, उस जैसा फीलिंग आ रही है। होती है ना, मतलब हाँ। इसमें सुबह सुबह लोग वैसा फील हो रहा है, फ्रेश होने जाते हैं। अच्छा, टट्टी करने जाते हैं, वैसा फील आ रहा है। और अपने सलाद भी है किधर है? ओए रुक जा, गिर जाएगा नीचे भाई, खाई में गिर जाता अभी तो। और तेरी तो भाई, चलो चलो वाह यार। काले आ रहे हैं यार। वाओ, गधे पे बैठेंगे आप लोग या ब्रो? ओ हो।
भाई ये है डंपिंग यार्ड, बर्फ जैसा दिखता है। अगर वीडियो फोटो शूट करते हैं तो एक साथ दो बैठ सकते हैं। कितने पैसे फोन पे करने पर गाइस केस में नहीं है तो कितने पैसे लगेंगे? आठ देने हैं। कितने रुपए करने? आठ। अरे यार 600 कर लीजिए, 500 ले लीजिए यार, 600 कर लीजिए। आठ जनों के 500 ले लेना। तो भाई क्या कहा था रकम भाई, ईमानदार है, उड़ जाए, उड़ेगा ये घोड़ा। ले ले आलोक भाई चश्मा दीजिए। ये गधा तो गोरा हो रहा है यार, गोरा क्या गंदा हो रहा है। तुम्हारा भाई बैठ चुका है घोड़े पे, और घोड़ा घोड़ा गिरेंगे तो नहीं ना इस पे से, गिरा दे कहीं हड्डी पसली तोड़ दे। तो भाई अब देखो घोड़े के ऊपर से नजारे चारों तरफ के। तो भाई फाइनली घूम घुमा के हम लोग जा रहे हैं, और यह है यहाँ का हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है गाइस। हमारे पवन भाई है, पब्लिक का गाइस देखिए। तो भाई फिलहाल रुके हैं ढाबे पे जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे जोधपुर की तरफ। तो गाइज पराठे वगैरह लगवाए थे तो सबने चट कर दिए, दही बचाया थोड़ा सा, पराठे वराठे तो खा गए सारे। बोल रहा हूँ बस बहुत भैया, रहने दो। प्याज पनीर बना देगा तुमने? प्याज पनीर नहीं बनाया, ये तो मना कर रहे, कैंसिल कर रहे हैं वो भी। भाई पराठों के लिए तरस रहे हैं। ये देखो भाई इसको कैसे ध्यान लगा रखा है। कितने बाकी है? ऑर्डर कैंसिल थोड़ी ना होता है। आलू वालू फार्मर हो, बोल तो सही में, तुम तो दबा के खाओ। फाइनली यहाँ से खाना वाना खा के चलते हैं। भाई रेडी? रेडी भैया, रेडी ब्रो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं जोधपुर, भाई के पास पियेंगे जूस और पकौड़े वकोड़े खाएंगे। क्या चीज दिलाई मैंने तेरे को? क्या फाइनली पहुंच चुके हम जोधपुर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें, और रास्ते में भी हमने होटल लिया था, और यहाँ पे भी होटल लेना पड़ रहा है क्योंकि परेशान हो गए सारे लोग, क्योंकि 8 जने हम टोटल। और यहाँ से फिर कल का प्लान देखते हैं क्या होता है, कल को कहाँ जाते हैं, आज तो सिर्फ यहीं रेस्ट करेंगे मॉर्निंग तक, और फिर देखते हैं क्या होता है। नाइट में अगर कहीं जाते हैं नाइट आउट पर घूमने, कोई अच्छी सी जगह मिलती है तो दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। भाई लोग अभी नाइट में तो कहीं जाना हुआ नहीं, होटल ले लिया है, और फिलहाल एक कैफ़े में आए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से होटल में, फिर सोएंगे, मॉर्निंग को चलेंगे जैसलमेर साइड।
रात के बज चुके हैं 2, सभी सो चुके हैं तो मैं भी सोता हूँ। कल देखते हैं मॉर्निंग को क्या होता है। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।